हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। परंतु अच्छे से तो जब करेंगे जब आपको जल्दी से याद होगा। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ही तरीका लेकर आए हैं जिससे आपको कम समय में और बहुत सारा काम याद हो जाएगा और अच्छे से भी याद हो जाएगा। यानी कि एक बार याद कर लोगे तो फिर उसको भूलोगे नहीं। देखो, चाहते तो सभी स्टूडेंट्स हैं कि उनको जल्दी से लर्न हो जाए, परंतु होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? पहले ये रीजन समझ लीजिए कि होता क्यों नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि जब आप याद करते हो तो एक तो आपका मन वहाँ पे होता नहीं है और आपका इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई में। आपने ये देखा भी होगा, जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट होता है तो वो चीज़ उसको तुरंत याद हो जाती है। जैसे वो गेम खेलना पसंद करता है तो गेम के जितने भी करेक्टर होते हैं उन सब के नेम याद कर लेगा। पूरी, जैसे मूवी देखता है तो पूरी मूवी की स्टोरी को याद कर लेगा क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट था। और भी अगर किसी ऐसी चीज़ को देखता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है तो वो उसको अच्छे से याद हो जाती है। जैसे अगर उसको खेलना अच्छा लगता है तो खेलता बड़े शौक से है बच्चा, लेकिन जब उसको बोलो कि याद करो तो उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता उसका, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है इसलिए उसका मन नहीं लगता। तो सबसे पहले तो देखो, ये कोशिश करें कि आपको एक बात ठान लेनी है कि हमें पढ़ना ही है, और उसके बाद भी आपका मन नहीं मानता तो आपको एक काम करना, क्योंकि ये मन वहाँ रुकता नहीं है इसीलिए फिर बच्चे को याद नहीं होता है। तो जब आप याद करने बैठो तो आपको याद करते समय मान लो आपको एक क्वेश्चन लर्न करना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये फिक्स कर लेना, अपने दिमाग को ये बात बता देनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए जब तक ये क्वेश्चन नहीं हो जाएगा लर्न मुझे, तब तक मैं किसी से भी नहीं बोलूँगा और ना ही मैं इधर उधर जाऊँगा ना ही मैं देखूँगा। तो जब भी आप लर्न करने बैठे प्रतिदिन अपने मन को ऐसे बोलना है, क्योंकि वो मन फिर मान जाएगा कि एक क्वेश्चन लर्न करना है तो ठीक है। तो एक क्वेश्चन लर्न करने के लिए आपको क्या करना है, शुरुआत में आपको बोल बोल के याद करना है, क्योंकि अगर आप बोल के याद करोगे तो आपका पूरा मन, पूरी कंसंट्रेशन बोलने पे ही होगी। मतलब आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा, मन में और कोई भी विचार नहीं आएगा कि मुझे खेलना है या टीवी देखनी है या और कुछ करना है, क्योंकि बोलते समय मन वहीं रहता है। तो आप जब बोल के याद करोगे तो आपको उसके पार्ट को डिवाइड कर लेना, हाफ हाफ। जैसे एक सेंटेंस है, हाफ को करो, फिर हाफ को करो, फिर पूरे को बोलो, और तब तक बोलते रहना ऐसे ही, चाहे कितना भी लंबा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन, जब तक वो पूरा एक क्वेश्चन नहीं याद हो जाता। तो आप देखना चमत्कार होगा, चमत्कार, तुरंत आपको एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है बहुत सालों का। तो आप ऐसे याद करो और एक बार करके देखो, और जब एक क्वेश्चन याद हो जाए तो भला ही 1-2 मिनट के लिए आप रेस्ट करो, आपके मन में जो बात आती है उसको बेशक सोच लो, फिर दूसरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले फिर आपको ऐसे ही करना है। मन को बोलना है कि अभी एक क्वेश्चन है, बस इसको याद कर लेते हैं, जो कुछ करना उसके बाद करेंगे, और फिर बोल बोल के उसको याद करना है, क्योंकि जब आप बोलोगे तो मन कहीं जा ही नहीं सकता और आपको तुरंत याद होगा। और जब फिर ये हैबिट बन जाएगी तो फिर तो चाहे आप कैसे भी याद करना, क्योंकि फिर आपको, आपके मन को हैबिट बन गया, आपके मन को पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा है। जब आने लग जाएगा तो फिर तो वो कहीं जा ही नहीं सकता, उसको वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मन वही काम करता है जहाँ पे मन को अच्छा लगता है, जिसमें मन को इंटरेस्ट आता है, तो पढ़ाई में उसको मजा आने लगेगा। और जब उसको ये सजा, जो अभी सजा समझता है ये मन पढ़ाई को, फिर उसको मजा समझने लगेगा, फिर आपको भी आनंद आएगा और मन को भी आनंद आएगा। तो ये तरीका अपना के देखिए, ये हमने बहुत से स्टूडेंट को बताया है, उन्होंने टॉप किया है क्लास में। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।